हिमाचल प्रदेश में सुशासन के दावे होते हैं। सरकार कहती है कि हमारा प्रशासन उत्तरदायी है और पारदर्शिता से कार्य होता है, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 6 माह पूर्व विभाग को सरकार की ओर से स्मार्ट वर्दी की सिलाई के पैसे मिल गए थे, लेकिन संवेदनशील सरकार के कार्यकाल में शिक्षा विभाग वर्दी के पैसों को विद्यार्थियों को देने में नाकाम साबित हुआ है। सोलन जिला में कंडाघाट, अर्की सहित कई अन्य क्षेत्रों में बच्चों को वर्दी की सिलाई अभी तक नहीं मिली है। शिक्षा का सत्र पूरा हो चुका है और नया सत्र बैठने की तैयारी में है। सरकार ने छात्रों को स्मार्ट वर्दी दी, उस वर्दी में भी खोट निकली। वर्दी अपना रंग छोड़ रही है, बात इतनी ही होती तो समझा जा सकता था, लेकिन स्थिति ये है कि शिक्षा विभाग को करीब 6 माह पहले बच्चों को वर्दी सिलाई के पैसे मिल गए थे, लेकिन सोलन जिला के कंडाघाट, अर्की सहित कई अन्य क्षेत्रों में अभी तक विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को वर्दी की सिलाई नहीं मिल पाई है, जो कि शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली की पोल खोल रही है। अधिकारी अपने कार्यालयों में सिमट कर रह गए हैं और दावा करते हैं कि सभी को सिलाई के पैसे दे दिए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कंडाघाट शिक्षा खंड के अंतर्गत 31 स्कूल आते हैं, जिनमें करीब 3500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और विभाग के सुस्त रवैये के चलते बच्चों को अभी तक वर्दी की सिलाई नहीं मिल पाई है। सिटी चैनल ने जब कंडाघाट में जाकर हकीकत जानी तो कंडाघाट व आसपास के बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि उन्हें वर्दी तो मिल गई, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बैंक खाता नंबर भी दे दिया है, फिर भी पैसे नहीं मिले हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि विभाग ने अभी तक खाता नंबर भी नहीं मांगे हैं। मेरा बेटा कंडाघाट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ड्रेसें तो मिल चुकी है लेकिन अभी तक सिलाई जो है वो नहीं आई है, देखते हैं कब तक आती है। अकाउंट नंबर दिए थे आपने? हाँ जी, अकाउंट नंबर दिए थे। कंडाघाट से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से। मेरा एक बेटा है रौनित, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। ड्रेस मिल रखी है लेकिन हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली, जो कि उसकी सिलाई है वो हमें नहीं मिली अभी। और दुकानों में हमें वैसे बहुत कॉस्टली देना पड़ रहा है, 500 रुपये इसकी एक ड्रेस की है, इस करके हमने एक ही ड्रेस सिलाई अभी, बिकॉज 1000 पड़ता है दो ड्रेस का, जो कि अभी हमें इसकी गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे दो बेटे हैं, एक 10th में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, पर वर्दी तो मिल चुकी है बट अभी सिलाई का कोई पता नहीं है। बोल रहे छुट्टी के बाद मिल सकती है बट अभी इतना कुछ पता नहीं है। नहीं तो अकाउंट नंबर वगैरह लिए आप? अभी तो कुछ नहीं लिया हमारे से। इस बारे में जब शिक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र मखेक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 31,000 बच्चों को स्कूल वर्दी वितरित की गई है और उसकी सिलाई के पैसे भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे ना मिले हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पैसे नहीं मिले हैं तो उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिला में इस वक्त 127 विद्यालय वो जो है फंक्शनल है और 60 हाई स्कूल हैं जो चल रहे हैं, और इन विद्यालयों में तकरीबन 31,000 के करीब बच्चे जो है वो अध्ययनरत हैं। सभी तमाम स्कूलों में निःशुल्क वर्दी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सर ये मेरे ध्यानार्थ ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तमाम पैसा जो है उनके खाते में जमा हो गया हुआ है। यदि कोई किसी बच्चे के खाते में नहीं गया है, संभवतः वो अकाउंट नंबर वो सीधा खाते में जाना था, यदि कोई ऐसी भूल रही होगी अकाउंट नंबर यदि गलत दे दिया गया होगा वो तुरंत रेक्टिफाई करके उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। सर पर्टिकुलर एक बच्चे की नहीं, स्कूल एक बार में तमाम ये ब्लॉक में जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो हैं उनके ज़रिए ये पैसा जाना था। मेरे ध्यानार्थ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जितनी सूचना मिली है उस हिसाब से उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।